हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फन दोस्तों। मैं आज हम बात करेंगे यूट्यूब वर्सेज टिकटॉक के बारे में। तो टिकटॉक के बारे में मेरा क्या राय है मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता देता हूँ मैं टिकटॉक वर्सेज यूट्यूब शुरू का हुआ था। तो टिकटॉक वर्सेज यूट्यूब एक एल्विस यादव करके बंदा है, उसने एक वीडियो बनाई थी, ठीक है। उसके चलते ये शुरू हुआ था। अभी एक खत्म लगभग कैरी मिनाती की वीडियो के आसपास होने को आ रहा है, क्योंकि कैरी मिनाती की एक वीडियो उसने अभी रोस्टिंग करके कुछ बनाया था, ठीक है। उसकी वीडियो को कॉपीराइट या कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक के तहत उसकी वीडियो को मान लो डिलीट करवा दी, ठीक है। तो उसकी वीडियो को जैसे ही डिलीट किया, काफी यूट्यूबर है उन्होंने कम्युनिटी एक प्रकार से बना दिया, और वो टिकटॉक को जितना भी यूजर जितने भी है यूट्यूब क्रिएटर उन्होंने डिलीट करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इसमें आप टेक्नोलॉजी को भी देख सकते हो, उन्होंने लगभग 10-15 फोन थे, उन्होंने सब में डिलीट मारा। और एक टेक्निकल सागर करके उन्होंने भी 326 के फॉलोवर थे उनके, उन्होंने भी उसके अपने अकाउंट को डिलीट कर दिया, ठीक है। तो इसके बारे में मेरी क्या राय मैं आपको बताता हूँ। देखो यूट्यूब और टिकटॉक पे वर्सेस करना वैसे जायज नहीं है, क्योंकि दोनों क्रिएटर जो एप्स हैं वो अलग अलग चीज बेस पे अलग चीज पे बेस है। क्योंकि देखो यूट्यूब पे आप 12 घंटे 128 GB का कंटेंट डाल सकते हो, ठीक है, 12 घंटे का और 128 GB का कंटेंट डाल सकते हो, ठीक है। लेकिन टिकटॉक पे आप 1 मिनट की वीडियो में आपको लगभग जितनी भी चीज समझानी होती दिखानी होती है, फनी कंटेंट क्रिएट करना होता है, वो करना होता है, ठीक है। तो वैसे इनका वर्सेस करना अच्छा नहीं है, ठीक है, क्योंकि दोनों बहुत अलग अलग चीज है, एक सिक्के दो पहले की जैसी बात नहीं है, ये बहुत अलग अलग चीजें दोनों के दोनों, ठीक है। और दूसरी बात रही कि देखो टेक्निकल चीजें हैं, जैसे मेरा भी क्रिएट मैं भी क्रिएट करता हूँ कंटेंट, ठीक है। तो मेरा कंटेंट मान लो मैंने कूलर ठीक करना है, तो कूलर मैं ठीक करूंगा ना, तो उसमें लगभग 10-12 मिनट की वीडियो बनेगी, मैं पूरी प्रोसेस बताऊंगा ये चीज करनी है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ठीक है। लेकिन टिकटॉक वाले अगर उसी चीज को ठीक करके बताएंगे, वो 1 मिनट में क्या करेंगे, वो कूलर की जो मोटर है उसको चेंज कर देंगे और आपको चला के दिखा देंगे। मतलब 1 मिनट में उसको कूलर की मोटर चेंज कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यूट्यूब पे आपको कूलर की मोटर कैसे खोलनी है, उसकी कैसे वायरिंग करनी है, कैसे वाइंडिंग करनी है, कैसे उसके कनेक्शन करने, वो सब कुछ बताया जाएगा। लेकिन टिकटॉक पे ऐसा नहीं हो सकता। मतलब टिकटॉक एक तालाब है और जो यूट्यूब है वो प्रशांत महासागर है, ठीक है। तो उनका वर्सेज करना वैसे तो जायज नहीं है मेरे राय में, तो इनका वर्सेज सही नहीं है। बाकी चलता रहेगा, दुनिया में क्या चल रहा है आपको क्या मतलब, मेरे को क्या मतलब, जो भी चल रहा है चलने दो, ठीक है। अपने काम से काम रखो, जिसको अच्छा लगता है उसको जाके देखो, जिसको नहीं लगता है वो अपने घर में जाकर आराम से। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।